तो मैं एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को अगर इंडिया में काम करना है। अच्छा, मेडिकल कराने आए? श्रीनगर कश्मीर। कहाँ के लिए? कुवैत के लिए। अच्छा, दो दिन आए इसलिए आज हुआ लास्ट। मेडिकल हो गया? कौन से काम में जा रहे हैं आप? नर्स में। अच्छा, आप जा रही हैं? आप नहीं जा रहे? मेडिकल तो शाम 5 बजे देगा ना? एक हमने पहले किया था जो ब्लड का होता है। अच्छा, कौन सा नॉर्मल हुआ है, गम का हुआ है? नहीं, नॉर्मल हुआ है। और पैसे ज़्यादा है ना कुवैत के लिए, ज़्यादा है सूटी से कपर से पे हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन मेन मुख्यालय है ना ये श्रीनगर का। कहाँ? पार्ट टू, पहले एक्सटेंशन में, ये साउथ एक्सटेंशन, पार्ट टू में न्यू दिल्ली को जाना पड़ा, उसके बाद यहाँ आना पड़ा। अच्छा, ट्रांसफ़र करके आना पड़ा? हाँ, दो जगह हो गया वहाँ, ऑनलाइन हो ना, 3 जगह जाना पड़ा। वहाँ पर 7,500, इधर 2,000। ये कंसल्टेशन के लिंक होता ना जो कश्मीर। हाँ, ओके, थैंक यू। कैसे सोए हुए पड़े हैं, देखो ऐसे ही विदेश जाते हैं, यही हाल होता है। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं दिखाएंगे, कितना स्ट्रगल करके एक आदमी जो है विदेश पहुंचता है। पहले ये देखो, जो पापा अपन से जो चीज़ मांगा वो देख के अपन मर भी जाए तो कोई गम नहीं, चाहे वो अब भी मर जाए दो मिनट क्यों। पापा का कौन सा सपना है? उनको एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ आप सभी का, और मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ जॉब। देखिए, जो हमारे इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर जा कर के 30,000 से 35,000 रुपये कमाते हैं विदेश में, ठीक है। अगर आप हमारे इंडिया में ही 25,000 से 30,000 में काम करें पैसा ही पैसा होगा। आप अपने घर परिवार में भी हैं और आप अपने देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नंबर प्रोवाइड कर, स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनको नोट कीजिएगा और आप इनसे बात कीजिएगा। मतलब कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो आप इनसे बात कीजिएगा। जब भी ये बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। तो गाइस, हम यहाँ पर घूमने के लिए इसलिए आते हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ता है। तो गाइस, देखिए हमारे इंडिया में किस तरह से वर्कर्स काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, चौक पर बैठे हुए सब लोग, अभी इनको काम मिला तो जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं शाम बिता देंगे। आप लेबर चौक पे इतनी भीड़ लगी हुई है, टोटल वर्कर हैं, सब काम पे निकले हुए हैं। एक तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, हज़ारों वर्कर सुबह सुबह यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ लेबर चौक के पास, और इधर भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्कर ही दिखाई देंगे आपको। ये डेली के डेली दिहाड़ी मजदूर हैं। कितना ज़्यादा कमा लेते होंगे ये, पेंटर्स हैं और भी बहुत बड़े बड़े कारीगर हैं, सब कुशल कारीगर हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है, देखो इतने मजदूर हमारे इंडिया में इस तरह से घूमते हैं, काम नहीं रहता। जब तक इनको काम नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, महिलाएं भी शामिल हैं इसमें। कितने ज़्यादा वर्कर्स हैं यहाँ पे, टोटल यंग लड़के हैं, यंग लोग हैं। जॉब करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं सब, दिहाड़ी। पाँच दिन से बढ़े जा रहा है, पता नहीं कैसे पहुंचे।
कितनी ज़्यादा भीड़ है, वर्कर्स हैं हमारे इंडिया के। हमारे इंडिया में इसी तरह से काम होता है, जिस तरह से आप वर्कर देख सकते हैं कितने ज़्यादा भाई यहाँ पर आए हुए हैं, वर्कर ही वर्कर हैं। वर्करों की दुनिया है ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कारीगर मजदूर हैं। देख सकते हैं जो मजदूर हैं सुबह सुबह निकलते हैं अपने घर से और जा करके चौक पर बैठते हैं। चौक से इनको जो है लेबर के रूप में कहीं ना कहीं से काम के लिए उठाया जाता है, जो इनका हेड होता है, मुखिया होता है एक तरह से कहें कि, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उठाता है इनको। पूरी की पूरी टीम होती है हर एक वर्कर की, जैसे एक वर्कर के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, एजेंट एक तरह से मान लें, जैसे विदेशों में लेकर के जाते हैं काम करवाने के लिए वैसे ही मानते हैं। मेडिकल कराने के बाद पता चला शरीर लगता है कि हम लोग का स्वस्थ ही है सऊदी के लिए। हाँ, और जगह के लिए नॉर्मल कराता है, बहुत कम पैसा लगता है उसमें। इसमें ज़रा सा भी प्रॉब्लम होगा ना तो आपको कैंसिल कर देगा, माइनर सा भी प्रॉब्लम रहता है ना तब भी कैंसिल कर देता है। क्यों, सऊदी में भी ऐसा ही मेडिकल होता है? सेम यही गमका वाला सेम वही चलता है, आदर वाला नहीं चलेगा। नहीं चलता है यही, मगर वैसा ही मेड कर लेता है सऊदी में भी। हाँ वैसे ही, एक आदमी गया था बोल रहा था कि नहीं वहाँ पर ऐसे खोद कर ब्लड से और लेता है, बस ये सीरीज में नहीं घिसता है। देखिए मेडिकलवा जो है आपका यही लगता है, ठीक है, जो यहाँ से हुआ रहेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ हो गया तो समझ लो ऑनलाइन उसके पास मिल गया। अच्छा, यही लेता है वो, बाकी वो सैंपल आपको नॉर्मली चेक करेगा बुखार है कि कोई और प्रॉब्लम है, वो तो टेस्ट लेता ही लेता है। ये जो ऑनलाइन है ना यही वाला लगता है वहाँ भी, वहाँ से फिर फेल कर नहीं भेजे, नहीं भेज सकता, नहीं भेज सकता, नहीं फेल करके नहीं, यहाँ से पास है तो फेल नहीं कर सकता, ऑनलाइन रहेगा। किस काम में जा रहे हैं अभी आप? कॉन्ट्रेक्शन लाइन में। कॉन्ट्रेक्शन लाइन बिल्डिंग बन रहा है। कितना रियाल बताया सऊदी का? 1200 प्लस ओटी। ओटी भी दे रहा है ना, अंदर में काम करोगे? नहीं मैं करेन के साथ रहूँगा। हाँ, और अकेला नहीं, चार पाँच आदमी चलाने वाला रहेगा, दो तीन आदमी। हाँ, दो आदमी तो उसके साथ रहता ही रहता है। हाँ, रहना खाना सब प्लस। इससे पहले मैं कुवैत में गया था, कुवैत में 6 साल रह कर आया। अच्छा, फिर लॉकडाउन से पहले 2-3 महीना पहले चला आया घर पर। हाँ, जब आया ना तब से गया नहीं, फिर बीच में मेडिकल कराया सऊदी के लिए, तब फेल हो गया। अब की बार देखो क्या हो रहा है, 5 साल 6 साल हो गया, 2019 में आया था, 24 चल रहा है, 5 साल लगभग हो गया। डायनोमिक तो बहुत अच्छा ऑफिस है। अच्छा, हाँ, एक बार तो जमा हो गया, एक बार तो इकट्ठा सारा जमा हो गया। सऊदी का तो 75 ही लगता है। हाँ, 75 ही लगता है। तो गाइज मैं अभी मौजूद हूँ एजे इंटरनेशनल, बोले तो आर के इंटरनेशनल के बिल्कुल ठीक बिल्डिंग के पीछे। ये हमारे पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे हजारों दोस्त आए हुए हैं जो मेडिकल हुआ है, जिनका कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है वो विदेश जा रहे हैं अभी, और बैग पैक हो रखा है पूरा सब लोगों का। देखिए दिखाते हैं आपको, यहीं से फ्लाइट है डायरेक्ट इनकी। ये देखो कैसे सोए हुए पड़े हैं, देखो ऐसे ही विदेश जाते हैं, यही हाल होता है। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं दिखाएंगे, कितना स्ट्रगल करके एक आदमी जो है विदेश पहुंचता है, इसीलिए मैं कहता हूं इंडिया में क्यों नहीं। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना और फिर ऐसे भूखे रहना, विदेश जाने से आपकी समस्याएं हल तो हो जाती हैं लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ता है। नौकरी करोगे, नौकरी दिलवाएं, अब यह सबसे बड़ी समस्या है कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, सबसे 10वीं 12वीं की है तो तब भी
बिना दसवीं बारहवीं तो कौन रखबे नहीं करेगा आज। डिग्री चाहिए और ओकरे बाद आजकल ग्रेजुएशन मांग रहा है। मतलब हमारा जी कहना है मतलब अपने अंजाज से, अच्छा, कि अपना जो पापा अपन से जो चीज़ मांगा वो देख के अपन मर भी जाए तो कोई गम नहीं, चाहे वो अब भी मर जाए दो मिनट के बाद। पापा का कौन सा सपना है? पापा चाहे थे कि घर दूर अच्छा होना चाहिए, मतलब गाड़ी। अच्छा। तो हमारे लड़का मतलब ऐसे सोचते हैं कि हम मतलब हमारे लड़का की लड़का है ना, लड़का के नाम से हमारा मतलब सर ऊँचो हो, घर बार बनवा ले अपना, अपने मतलब दम पे मतलब लड़का समझ गए इतनी उम्र में, मतलब उनका जे कहना है। पापा मतलब कह रहे हैं कि हमें शांति मिल जाएगी, तुमसे कुछ नहीं चाहिए ही चाहिए। तो 10,000 कमा के आपने पापा का सपना पूरा कर लो? नहीं, वो अपन ही पता है कि अपन सब सपना पूरा कर लेंगे, मतलब अपने ऊपर खुद विश्वास है। आगे क्या करोगे फिर बताओ, 10,000 में क्या कर पाओगे? अरे आदमी करने के लिए तो बहुत कुछ कर देता है। तो अभी यहाँ पे शुरुआत की हो 10,000 से, हैं आगे क्या बनने का कोई इरादा है? अपना कोई बनने का इरादा नहीं है, ज़्यादा पैसे की लालच ही नहीं होता ना। तब फिर पापा का सपना कैसे पूरा होगा? तो हो जाएगा वो इतने पैसे से, हो जाएगा घर बार बन जाएगा, घर बार बन जाएगा वो। है महंगाई आसमान छू रही, क्यों परेशान हो रहे हैं यार? तो गांव के हिसाब से है ना महंगा, वो शहर के। कितना पढ़ाई की हो बताओ, हम नौकरी लगवा दें तुम्हारा? हम तो एक ही नहीं पढ़े, पहली तक नहीं पढ़े। पहली तक नहीं पढ़े नौकरी कैसे पाओगे बताओ? हम तो नौकरी भी लगवा देते आप। ये है कि नौकरी करोगे? इतना जानते हैं कि हम भलाऊ एक भी नहीं पढ़े, इतना है कि 15,000 तक का काम कर लेंगे, हमें इतना पता है। अच्छा। दिमाग में भी मतलब बहुत तेज कॉन्फिडेंस पूरा है। हाँ, सब कुछ कॉन्फिडेंस, बात करने कौनो भी काम कर लो। हाँ, ये तो दिख रहा है, पता है कि अपन कोई लड़की शादी भी करेंगे तो इतना है कि अपन पाल लेंगे और पालन पोषण कर लेंगे। हाँ, मतलब खुश भी अगर वो चाहे गाड़ी में, लेकिन मतलब जो चीज में चाहे घूम तो उसमें घुमा देंगे, भलाऊ खुद की ना हो पैसा लगा के। चलो बस इतना होना चाहिए कॉन्फिडेंस, यही होना चाहिए हमारे इंडिया के जवानों के पास। भिंड जानते हैं? भिंड चलाते नहीं, सुने भिंड नहीं सुने हो? एमपी का नहीं लग रहे हो यार? अरे एमपी के तो हैं हम। आप कोई के जानते हो बड़े से आदमी के जो एमपी के? तो मतलब बहुत फेमस हो। बहुत फेमस? शिवराज सिंह चौहान को जानते हो? हाँ। का लगते हैं वो? तो मतलब पापा जानते हो ना? पापा जानते हैं। हाँ, पापा जानते हैं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो गाइज, इंडिया में रह करके 20,000 कमाना है, 25,000 कमाना है, या विदेश जा करके 30,000 कमाना है, अधिकतर इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप कर सकते हो। खास करके उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमा होल्डर हैं, आईटीआई हैं, या पॉलिटेक्निक हैं, या फिर ग्रेजुएट हैं, उनके लिए जॉब है ये। तो विदेश के लिए मैं वीडियो तो क्रिएट करूँगा ही करूँगा, लेकिन अब मैं इंडिया के ऊपर भी जो है वीडियोज़ बनाऊँगा, ताकि आपके लिए जॉब के लिए हेल्पफुल हो सके, कि आप इंडिया में काम करके पैसे कमाएं, फिर उसके बाद आप विदेश जा सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द। थैंक यू, बाय बाय।